नमस्कार दोस्तों, आज कुछ दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूं। बेसिकली बाजार इतने टाइट रेंज में है कि कुछ कहने लायक खास है ही नहीं। आप देख रहे हैं कि ये जो है पिछले 4-5 जून से हम इसी रेंज में घूम रहे हैं, और आज इसलिए मैं आया हूं क्योंकि कुछ एक बातें जो हैं वो बदली हैं। तो वो बातें ये हैं, ये 15,600 और 15,900 की रेंज है कि जो एफएमसीजी के रिजल्ट आए हिंदुस्तान यूनिलीवर वगैरह के, उसमें बहुत क्लियर है कि इन्फ्लेशन थोड़ी सी अब मार्जिन्स को इम्पैक्ट कर रही है। तो मेरे हिसाब से आज जो आपने आईटी सेक्टर को ऊपर जाते हुए देखा, आईटी सेक्टर बहुत बढ़िया ऊपर जा रहा है, बैंकों को नीचे आते हुए देखा, ये आज अपने ओपन से नीचे बैंक निफ्टी बंद हुआ है, और निफ्टी को ऊपर जाते हुए देखा, तो बेसिकली निफ्टी की एक जो टांग है वो टूट गई है। तो सिर्फ एक टांग के सहारे है। रिलायंस हमें पता ही है कि कभी ऊपर कभी नीचे है। तो मेरे हिसाब से चेंज ये हो रहा है कि रुपए की कमजोरी इस बात का संकेत दे रही है कि इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है। कमजोर रुपया जो है वो आईटी स्टॉक्स के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो अब एक तरह का पेयर ट्रेड चलेगा, बैंक निफ्टी को लोग बेचेंगे और आईटी में खरीदारी होगी। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी सूनर और लेटर, ये जो इसका कल परसों का लो है, ट्यूसडे का जो लो है 34,357, इसको बहुत जल्द तोड़ देगा। तो आज का लो तो तोड़ेगा ही, ये ट्यूसडे का लो भी तोड़ेगा। अगर बैंक निफ्टी में प्रेशर रहेगा तो निफ्टी ऊपर नहीं जा सकता। कुछ आज जो संकेत थे, एक्सपायरी थी, तो एक तरह के डेड कैट बाउंस होने के संकेत थे। तो मेरे हिसाब से ये बात याद रखनी बहुत जरूरी है कि आने वाले दिनों में फाइनेंशियल्स पे प्रेशर वापस आ जाएगा, और अगर हमने ये लेवल जो है 33,900 का तोड़ा तो एक बड़ी गिरावट भी बैंक निफ्टी में शुरू होने का स्कोप हो सकता है। तो कल के लिए आपके पिवट्स हैं 15,795, ये कैश का लेवल है, और बैंक निफ्टी पे कैश लेवल है 34,742। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी कल अपना S2 जो है 34,316 टेस्ट करना चाहिए। निफ्टी में 15,750 के नीचे बड़ी कमजोरी आएगी, लेकिन हमने जैसा कि पहले भी देखा है कि ये 15,840 का जो जोन है, इसमें इसको जो है काफी बार ये यहाँ से फेल होकर वापस आया है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि 850, 900 से ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन मुझे नहीं लगती। तो कल जो है, जैसा कि आज शॉर्ट कवरिंग की वजह से बाजार लग रहे थे ऊपर हैं, जबकि एफआईआई का अगर आप देखें तो सेलिंग की है उन्होंने 250 करोड़। तो फिर 212 पॉइंट ऊपर कैसे गया मार्केट? वो मार्केट शॉर्ट कवरिंग की वजह से ऊपर गया है। तो मेरे हिसाब से कल जो है छोटा मोटा गैप डाउन 40-50 पॉइंट का होना चाहिए, और उसके बाद और ज्यादा सेलिंग होगी। आज पूरा दिन एफआईआई ने बेचा है, लेकिन क्योंकि उन्होंने आईटी में खरीदारी करी है तो जो बैंक की बिकवाली है वो थोड़ी सी कम लग रही है। तो फिलहाल के लिए जो है आपको सेक्टर जो मजबूत हैं, अभी भी कमोडिटी स्पेस मजबूत है, खासकर मेटल्स, आईटी मजबूत है, तो जो ग्लोबल सेक्टर्स है वहां ध्यान दें। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन का
खतरा बढ़ रहा है, तो बैंक निफ्टी पे लॉन्ग पोजीशंस लेनी अवॉइड करें। जैसे आज का दिन था तो आज बहुत बढ़िया दिन था अपने कुछ शॉर्ट्स बनाने का बैंक निफ्टी में 35,000 के आसपास, तो 34,800 35,000 के आसपास मिले तो वहाँ शॉर्ट्स बनाएं। मेरे हिसाब से सुनो लेटर ये 34,000 का लेवल टूट जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, कल वीकेंड होगा तो वीकेंड पे देखते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्च मैंने पढ़ी है तो आप लोगों के लिए वो रिसर्च लेके आएंगे, खासकर ओपन से कैसे डील करना है उसके ऊपर थोड़ा सा हमें मार्केट टेंडेंसीज पे काम किया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, सैटरडे संडे को अगले वीडियो में मिलते हैं।